अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब जी। दोस्तों आज हम करेंगे पास्ट इनडेफिनेट टेंस, ठीक है। पास्ट इनडेफिनेट टेंस, ठीक है दोस्तों। इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। जैसे हमने चिड़ियाघर देखा, उन्होंने कलम खरीदा, इसकी हम पहचान देते हैं उर्दू में। कैसे फिक्रे होंगे कि हमें पता चलेगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। उर्दू के जुमले के आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह वगैरह, ठीक है। या जुमले के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये आता है, ठीक है। जब जुमले के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ ये बड़ी ये आ जाए तो हम फौरन समझ जाएंगे ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस का जुमला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अली ने सेब खाया, ठीक है। इसके एंड पे आ गया ना अलिफ, मैंने आपको अलिफ, यह जुमले को ऐसे भी लिखा जाता है, अली सेब खाता था। बात एक ही है, चाहे इस तरह कह लो चाहे इस तरह कह लो, दोनों में बात सेम है, दोनों बातें पास्ट में हुई हैं। और ये नहीं बताया गया पास्ट में किस टाइम पे हुई है, इसमें टाइम को डिस्क्राइब नहीं किया गया, ठीक है। तो यहां पे अली ने सेब खाया, एंड पे अलिफ आ गया, अली सेब खाता था, ता था, मैंने बताया ता था, ती थी, ते थे, या अलिफ छोटी ये बड़ी ये आ जाए जुमले के आखिर में तो हम फौरन पहचान जाएंगे पास्ट इनडेफिनेट टेंस का जुमला है, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं, सना और आमना फिल्म देखती थी, ठीक है। या आप कह लो सना और आमना ने फिल्म देखी, ठीक है। अभी देख ले, इसमें भी हमारा क्या है, ती थी, या एंड पे छोटी ये आ गई, ठीक है। दोनों जुमलों में मतलब एक ही है, एक में आ गया ती थी, एक में आ गया एंड पे ये। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये दोनों जुमले एक ही टेंस के हैं, पास्ट इनडेफिनेट टेंस के, ठीक है। आए अब इसका बनाने का तरीका देखते हैं कि इसका बनाने का तरीका कैसे है। बनाने का तरीका, जब भी आप सेंटेंस बनाते हो सबसे पहले हमेशा आता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आता है वर्ब और एंड पे आता है ऑब्जेक्ट, यही है। सभी सेंटेंसेस में, सब टेंसेस के जितने भी जुमले हैं सब में तरतीब यही होगी, सब्जेक्ट हमेशा यहीं पे रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सभी जुमलों में यही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा हमारा वर्ब। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ठीक है। और ये 12 टेंसेस में से वाहिद टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म आती है। अब एक और बात, सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन यानी अली, प्लूरल नाउन अली एंड आसिफ, सना एंड आमिना, ठीक है। प्लूरल नाउन हो या सिंगुलर नाउन हो या ये सारे सब्जेक्ट हो,
सबके साथ आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। चले आज कुछ इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अली स्कूल गया, ठीक है, या आप कह सकते हो अली स्कूल जाता था। ये दोनों सेम है, एक ही बात है। ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं, ठीक है। अली स्कूल गया, क्या कहेंगे, अली, अली इज अ सब्जेक्ट, इसमें वर्ब क्या है, उसका जाना, जाना क्या होता है, गो, गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, अली वेंट किधर गया, टू टू द स्कूल, ठीक है, अली स्कूल गया या अली स्कूल जाता था, अली वेंट टू द स्कूल, ठीक है। अब सना ने कपड़े धोए, ठीक है, तो क्या कहेंगे, सना, सना इज अ सिंगुलर, सना इसके साथ भी हम सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, सना वॉश्ड, वॉश क्लोथ्स, ठीक है, इज इट क्लियर। इसे आप ऐसे भी कह, सना कपड़े धोती थी, ती थी, इसे ऐसे भी आ जाए जुमला तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, या कहें सना ने कपड़े धोए तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा डिड नॉट, डिड नॉट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, ठीक है, फिर वर्ब की अब यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, और एंड पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक मेरी बात याद रखिएगा कि जब भी सवालिया मनफी बनाने के लिए जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड, डस और डू, ठीक है, डिड, डस या डू, सवालिया और मनफी बनाने के लिए जब इन तीनों को यूज किया जाता है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ये जहन में बात बिठा लें कि जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जब भी हम डिड नॉट या डिड, ठीक है, या डज नॉट, डू नॉट, या डज और डू, जब भी जुमले में लगाएंगे हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए डिड नॉट यूज हुआ है तो यहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को खत्म करके यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे सिंपल जुमला था अली स्कूल गया, अली स्कूल गया, यही मैंने पहले आपको करवाया था ना। अब मैं कह रही हूं अली स्कूल नहीं गया, अली स्कूल नहीं गया, ठीक है, या अली स्कूल जाता था या अली स्कूल नहीं जाता था, ठीक है। अब इनको कैसे बनाएं, अली स्कूल गया तो क्या कहूंगी, अली went to the school, यही था ना सिंपल सेंटेंस। अब जब इसको नेगेटिव बनाऊंगी तो मैं क्या कहूंगी, अली did not, went क्या है सेकेंड फॉर्म go की, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, went को सेकेंड फॉर्म को खत्म कर दूंगी और इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगी go, क्यों, क्योंकि यहां पे did not आ गया है और जहां भी डिड या तो सवालिया में आ जाए या मनफी में डिड नॉट आ जाए, डिड आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे सेकंड फॉर्म को खत्म करके गो लगा दोगे, फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे वर्ब की, ठीक है, गो टू द स्कूल, ठीक है। अब अगर वो सना कपड़े नहीं धोती थी तो मैं क्या कहूंगी, सना डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स, फैसल नॉवल नहीं पढ़ता था या फैसल ने नॉवल नहीं पढ़ा, तो क्या होगा, फैसल
did not read the novel. ठीक है, is it clear? तो अब इसका interrogative sentences बनाने के लिए हमारे पास formula क्या है? Helping verb इसमें क्या इस्तेमाल होगा? Did. Did को जुमले की शुरू में लगा देंगे, फिर हमारा आएगा subject. ठीक है, फिर हमारा आएगा verb की first form. अभी मैंने बताया ना, did जब आ जाए जुमले के अंदर या बाहर, तो आपने verb की first form लगानी है. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट. और जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो एंड पे क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है. ठीक है, अब जैसे क्या अहमद ने सेब खाया? ठीक है, तो क्या होगा इसका? डिड अहमद ईट एन एप्पल? ठीक है, डिड अहमद ईट एन एप्पल? क्या अली ने फिल्म देखी? तो हम क्या कहेंगे? डिड अली वॉच अ मूवी? ठीक है, देखिए मैंने अब यहां पे अगर होता सिंपल मैंने कहना था अहमद एट एन एप्पल. ठीक है, अहमद एट, ईट की सेकंड फॉर्म क्या है? एट, एट एन एप्पल. लेकिन जब मैं इसको क्वेश्चन बना रही हूं तो या मैं क्या कहूंगी? एट को खत्म करके, तो डिड अहमद ईट एन एप्पल? डिड अहमद ईट एन एप्पल? तो यहां पे हम एट सेकंड फॉर्म को खत्म करके फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे. ठीक है, और डिड अली वॉच अ मूवी? क्या अली ने मूवी देखी? तो ये सिंपल जुमला होता तो कैसे होना था? अली वॉच्ड अ मूवी, अली ने एक मूवी देखी, सेकंड फॉर्म आनी थी ना. लेकिन जब इसको सवालिया बनाएंगे तो कहेंगे डिड अली वॉच अ मूवी. ठीक है, अब एक और बात, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इकट्ठे हों तो हम क्या करेंगे? डिड को ऐसे यहीं पे रहने देंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट. ठीक है, अगर सवालिया और मनफी दोनों जुमले आ जाएं तो हम क्या करेंगे? डिड को यहीं पे रहने देंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट. जैसे इसी को देख लें, अगर हम कहें क्या अहमद ने सेब नहीं खाया? क्या अहमद ने सेब नहीं खाया? तो हम क्या करेंगे? डिड अहमद यहां पे आ जाएगा नॉट. डिड अहमद नॉट ईट एन एप्पल? क्या अली ने मूवी नहीं देखी? डिड अली नॉट वॉच ए मूवी? ठीक है, सवालिया और मनफी आ जाए, सवालिया के लिए डिड वहीं पे रहेगा और जो मनफी नहीं होगा वो हम सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे. ठीक है, अब अगर आ जाए कि अहमद ने सेब क्यों नहीं खाया, अहमद ने सेब क्यों नहीं खाया, तो अब यहां पे देखें, अब यहां पे क्या नहीं आया, तो आप कहोगे कि ये क्वेश्चन नहीं है. लेकिन जब आप आगे देख रहे हो अहमद ने सेब क्यों नहीं खाया, क्यों तो आ गया ना क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे इस क्यों को? क्यों क्या होता है? वाई, वाई. तो क्या करेंगे? क्यों को शुरू में लगा देंगे वाई, बाकी सेंटेंस वैसे ही होगा. वाई डिड अहमद नॉट ईट एन एप्पल? वाई डिड अहमद नॉट ईट एन एप्पल? अली ने मूवी कब नहीं देखी? तो क्या करूंगी? वेन को जुमले के शुरू में लगा दूंगी, तो क्या कहूंगी? वेन डिड अली नॉट वॉच अ मूवी. ठीक है, इज इट क्लियर? जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.